नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वे की जो ये टूर की शुरुआत है वही आप कहें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वे में हुई है। पहला जो वनडे मैच था वो ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है और कैन की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई और एक पिक्चर के साथ की ओवरकास्ट कंडीशंस है, बारिश है, उसके बाद आउटफील्ड की वजह से सबसे पहले टॉस भी डिले हुआ और इसी के साथ फर्स्ट वनडे यहाँ पर कॉल्ड ऑफ हो गया। क्या ये एक मामूली चीज़ है या फिर नहीं, एक बहुत बड़ी एक चीज़ हम कह सकते हैं कि नहीं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक मैच यहाँ पर कॉल्ड ऑफ हो गया है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा फेलियर है कि आपने सबसे पहले उस टीम को बुलाया, एक डेस्टिनेशन टीम यहाँ आई है, वहाँ पर प्लेयर भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने किसी को ही भेज दिया, हाँ भाई आप जाओ, तो फिर आपको लगा होगा कि बड़ी अजीब सी टीम भेजी है। टीम भी अच्छी आई है, क्वालिटी साइड है, डेस्टिनेशन की साइड है, पर वो आके क्या देखते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है और आज उनके सामने कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक जो फेलियर नज़र आया है नेपाल की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा एक शोकेस हुआ है कि हमारे पास हम एक मैच को नहीं कंडक्ट करा सकते, हम एक मैच ठीक से नहीं रखवा सकते जाँच के परख के कि कब कहाँ क्या बारिश होने वाली है, मौसम का हाल क्या है, बिल्कुल सही वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि जब मैनेजिंग की अगर बात करें, डेफिनेटली जब आप इस तरह की टूर रखते हैं, जैसे कि मैंने आपने हमारा कम्युनिटी चेक किया होगा, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी कि इस तरह के मैचेस एसोसिएट्स के लिए इतनी आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल, एसोसिएट्स के क्रिकेट मैचेस वैसे ही इतने कम होते हैं और उसमें भी अगर इस तरह से अगर चीज़ें बारिश की वजह से, पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से अगर ख़राब हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है और ये लगातार होता है। और हमने EPL में भी देखा था, कड़क धूप है, आप ये मत सोचिए कि आज बारिश हो रही है तो चलिए आज बारिश की वजह से है, ड्रेनेज की वजह से नहीं है। EPL में हमने देखा, EPL में कोई बारिश नहीं थी, चटक गर्म धूप निकल रही थी, तभी नजर भैरवा का वो मैच था, तभी भी बात थे, आप बोल करेंगे संदीप सब वहाँ पर आपस में अंपायर सब हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे और जो ग्राउंड स्टाफ है अपना काम करने जा रहे थे। कड़क धूप होने के बावजूद भी चार पाँच घंटे बाद भी कोई पानी नहीं सूखा, कुछ नहीं सूखा और मैच को एट द एंड कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, रीशेड्यूल करने के लिए अगले गेम में डाल दिया गया। इससे अंदाजा लगा सकता है किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम रहा है। इतनी पुरानी टीम होने के बावजूद भी, इतना पुराना बोर्ड होने के बावजूद भी, इतने समय से क्रिकेट खेलने के बावजूद भी इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा डराता भी है। और जब अब आपने जब इतनी बड़ी डेस्टिनेशन को इसके डोमेस्टिक मैचेस के लिए यहाँ पर बुलवाया है तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए था किस दिन बारिश है, किस दिन बारिश नहीं है, थोड़ा सा शेड्यूल को हम आगे कर लें, थोड़ा सा शेड्यूल को हम आगे कर लें, अगर बाद में बारिश है तो कुछ डेट्स पहले कर लें, कुछ डेट्स या फिर पीछे कर लें, या फिर उस डेट्स पर रखें जहाँ पर मिनिमम चांसेस ऑफ रेन्स रहे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और एक और ऑप्शन था कि आप मैचेस को किसी और जगह में ट्रांसफर कर सकते। बिल्कुल, ये भी अच्छा ऑप्शन था और ज़रूर हो सकता था कहीं और इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, थोड़ा सा जल्दी एक एक अच्छी पिच तैयार कर एक पेविलियन, छोटा मोटा पेविलियन तैयार कर बिल्कुल वहां पर इस टीम को भेजा जाए और मैचेस कराया जाए, लेकिन ये भी नहीं कर पाए और डिजास्टर साबित हुए। आपने कुछ पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वेदर बहुत पहले रिपोर्ट मिल जाती है, आप तो बोर्ड मेंबर्स हैं, आप लोगों के पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं जरूर, और आप लोगों को वेदर फॉरकास्ट से आराम से रिपोर्ट मिल सकती है कि भाई आखिर आने वाले दिनों में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, बारिश है, धूप है, बाढ़ है, आखिर है क्या, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। इतनी बड़ी आपने जो कहा, जो एक कम्युनिटी में आया कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नेपाल के लिए आई है लेकिन टोटली वेस्ट जा रही है ये पूरी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में भी पूरी थ्रू आउट दैट टूर में बारिश का साया लगातार नजर आ रहा है और बारिश का मतलब ये नहीं है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हम इसी के ज्यादा जोर दे रहे हैं, यानी कि अगर 30-40% भी बारिश होती है, मान लीजिए सुबह सुबह 30-40% बारिश हुई है या 50% भी बारिश हुई है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मैच ठीक टाइम पे शुरू हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर वो मैच शुरू होगा भी या फिर नहीं, इतना पुअर ड्रेनेज सिस्टम हमने पहले भी देखा और लगातार वो देखने को मिलता है। नहीं बिल्कुल, और माफ कीजिएगा, बिल्कुल देखा है हमने और ये बहुत ज्यादा इसलिए कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने की बहुत जरूरत है, थोड़ा बेटर, ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाई करना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा ड्रेनेज सिस्टम, श्रीलंका में भी आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम इतना कुछ है ही नहीं, मशीन के नाम सब हैंडमेड है, लोग हाथ से सब वहां पर काम करते हैं, जो भी सर है मैम है वो सब हाथ से काम करते हैं और ग्राउंड देखिए बेस्ट ड्रेनेजों में से एक माना जाता है श्रीलंका वर्ल्ड क्रिकेट, बिल्कुल क्यों है, देखिए हैंडमेड है फिर भी वर्ल्ड के बेस्ट में आता है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप दो तीन घूमते, मोस्टली सबको बताया कि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका सबको मालूम था। जी हाँ, और ये चीज़ें होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप हायर कर पाए इस तरीके से कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा
आपके पास ड्रेस सुखाने वाले लोग हों, ये इस काम के लिए हो तो बेहतर है, बजाय ज्यादा कुछ और बड़े बड़े सपने देखने से। बेसिक चीजें ही ग्राउंड में नहीं है, गायब है, तो आखिर क्रिकेट कैसे होगा? इतना अच्छा मौका था क्रिकेट का आज, लेकिन वो भी वेस्ट हो गया। बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर ये तीन मैचेस इसी तरह से धुल जाते हैं, आने वाले दो मैचेस भी अगर ऐसे धुल जाते हैं, या फिर शुरू तो हुए लेकिन वो खत्म नहीं हुए, रन इंटरप्टेड हो गए, अब यहाँ पर कैंप की तरफ से यह है कि मैच रीशेड्यूल हो सकते हैं, लेकिन रीशेड्यूल में क्या गारंटी है कि यहाँ बारिश होगी नहीं होगी, वहां का सिस्टम अचानक से बेहतर होगा या नहीं होगा? हम भी तो आखिर बेहतर फॉरकास्ट देख रहे हैं, वेदर फॉरकास्ट में क्लियर नजर आ रहा है कि 5-6 दिन लगातार बारिश है, तो आखिर आप कौन सा दिन रीशेड्यूल करेंगे? और एक चीज और, क्या रीशेड्यूल में जो सामने वाली टीम है, क्या वो भी आपको उतनी हामी दे देगी? क्या वो उतना लंबा आगे रुकना चाहेंगे? टारगेट उनका था 10 दिन का, तो क्या वो उसको खींच के 15 दिन करना चाहेंगे? वो सारी चीजें भी फिर उसमें आ जाती है। तो ये चीजें पहले हो तो ज्यादा बेहतर है, जब टूर शुरू होने से पहले पहले, लेकिन बाद में इस तरह से चीजें होना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसी मैंने पहले ही कहा, अच्छे टीम्स के लिए मैचेस बहुत मुश्किल से आते हैं। बिल्कुल, अभी आप देखिए, अभी आप देखिएगा जब नीदरलैंड्स क्रिकेट होस्ट करेगा, स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, तब पूरी चाश परख कर इतनी जान लगा देगा कि नहीं, हमें मैचेस तो कराने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, किसी भी हाँ। बिल्कुल, अब वो रिपोर्ट्स वेदर जब हम देखेंगे, लगेगा अरे वाह सनी वेदर है या क्लाउडी वेदर है, पर बारिश का साया ऐसे नहीं होने देगा वो कि बारिश हो जाए मैच में और हमारे किए किराए मेहनत पर पानी फिर जाए, ऐसा होने की उम्मीद नहीं नजर आती नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के आने वाले बड़े बड़े मैच। बिल्कुल, तो यही सारी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत मैनेजमेंट को, थिंक टैंक को ये चीजें समझनी चाहिए। और अगर मान लीजिए नीदरलैंड स्कॉटलैंड वाले किसी मैच में बारिश का साया हो भी जाता है, तो इतना है कि वो कहीं से भी लाके, पाताल से भी लेके आएंगे, लेकिन वो अपने ड्रेनेज सिस्टम में 2-3 चीजों का इजाफा जरूर कर लेंगे कि कम से कम हम 10-15 ओवर का T20 की मैच की मैं बात कर रहा हूँ तो करा ही ले, और वनडे में तो बहुत वक्त रहता है, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर नेपाल में लगातार वो चीजें होती रहती हैं, लेकिन उससे कोई टीम जो बोर्ड है और जो मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो सीख नहीं रहे कि हम किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। ईपीएल में एक भोपड़ा प्लेटर देखने को मिला था फिलहाल में, वहाँ का इनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रेनेज सिस्टम तो एक्सपोज करता ही है ना वो, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि उस ड्रेनेज सिस्टम में कुछ खास इजाफा हुआ नहीं। आपको मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अगर वर्क फोर्स को बढ़ा लें तो वो भी बहुत ज्यादा काम आएगा। वर्क फोर्स की वजह से श्रीलंका वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप ड्रेनेज सिस्टम में गिना जाता है, उनके पास कोई भारी भरकम मशीन नहीं है। बाकी वरना तो एम ओवरसीज की जो टीम्स हैं उनके पास तो वो भी है, वो हिटिंग मशीन है, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ ठीक से, जिसे जिन्हें पिच के ऊपर रखा जाता है, वो इंग्लैंड के पास है, जो इंग्लैंड के पास है उसका इंग्लैंड क्या इस्तेमाल करता है, वो तो खैर बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप वर्क फोर्स को बढ़ाइए, ये नहीं कह रहे आप बड़े बड़े मशीन रखिए, वो एफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, आप वर्क फोर्स को तो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, वर्क फोर्स बढ़ेगा तो खुद ब खुद काम सारे आसान जल्दी नजर आएंगे, बहुत जल्दी होंगे। 10 आदमी या औरत जो काम कर सकते हैं वो और ज्यादा मिलकर 100 जने कर सकते हैं, उनकी फास्ट से होगा, तो बिल्कुल वर्कफोर्स बढ़ाने की बहुत जरूरत है। जरूरत, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, आप इंटरनेशनल टीम है, आप एक तरफ सपना देखते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने का, आप एक तरफ सपना देखते हैं बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स खेलने का, और एक तरफ आपका जो होम ग्राउंड है, जबकि आपका तो होम ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि ऑफिशियली होम ग्राउंड तो क्यू में आप खेल जरूर रहे हैं, लेकिन एक पर्पल प्रॉपर खुद का नेशनल स्टेडियम वो अभी तक टीम के पास नहीं, लेकिन चलिए क्यू वहाँ पर लगातार काफी सालों से वो काम करता है, लेकिन उसको तो कम से कम आप बेहतर करिए, वो आपका घर है, अपने घर को कौन खराब रखना चाहता है? हम भी जो जिन घरों में रहते हैं, आप जिन घरों में रहते हैं, आप अपने हमारे घर को हम इतने अच्छे से रखते हैं, तो वो भी क्रिकेट है, क्रिकेट का वो घर है, उसको थोड़ा सा आप बेहतर करेंगे तो कुछ बुरा नहीं जाएगा, उनसे उल्टा और ज्यादा मैचेस होने की मिलेंगे। इससे एक चीज बहुत खराब होती है, आने वाले टाइम में क्या पता फिर जिम्बाब्वे या फिर कोई ऐसी टेस्ट टीम हो, वो आने से कहीं कतराए ना, कि पहले वो देखे भाई यहाँ पर तो जा रहे हैं हम, फॉरकास्ट ठीक है या फिर नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत कतराने वाला माइंडसेट भी आ जाता है, जरूर रहता है, इस पर कोई दोहराया नहीं है, बहुत ज्यादा कतराने वाला माइंडसेट जो है वो आ जाता है टीम के अंदर, आने वाले दौरों में फिर वो हिचकिचाते हैं, बहाने मारते हैं, नहीं आना चाहते हैं, पर उसके बाद अपनी सेकंड स्ट्रिंग या और लोअर स्ट्रिंग साइड को भेज देते हैं, जो हमें लगता है कि क्या यार इन्होंने तो कोई स्ट्रॉन्ग साइड भेजी नहीं, जब भेजी थी तब आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कदर नहीं की, बस यही होगा आगे। बिल्कुल, जैसे कि कम्युनिटी में मैंने कहा है कि बारिश में तो हमारा जोर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो एक नेचुरल चीज है, रेन गॉड के ऊपर है, लेकिन मैनेजमेंट जो है क्रिकेट का, आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं डेट्स को लेकर, कहाँ पर बारिश कम है आप वहाँ पर शिफ्ट मैचेस को करा सकते थे, ये सारी चीज़ें हम आम इंसानों के हाथ नहीं है, और वो कराया डेफिनेटली जा सकता था, खास करके देखते हुए। जैसे मैंने पहले कहा, ये 3 वनडे अगर कहीं ना कहीं वॉश आउट हो गए तो एक बहुत बड़ा झटका होगा नेपाल के लिए, खास करके आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग के मैचेस स्कॉटलैंड और नामीबिया के सामने है, एंड इस पे आपकी लास्ट ट्राई। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा झटका है, और अभी मानने ना मानने वालों की खैर हम उससे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब कंडीशन
ड्रास्टिकली बदलेंगे, तो क्योंकि हमने देखा है कि ओवरसीज में किस तरीके से स्ट्रगल होती है टीमें। हम तो खैर फिर भी टेस्ट नेशन की बात कर रहे हैं जी, फिर भी टेस्ट नेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टेस्ट मैच में जाकर वहाँ पर खेलते हैं तो खैर बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन जब आप वाइट बॉल का गेम भी खेलने के लिए जाएंगे टोटली चेंज मिलेगा एशिया से कंडीशन, कहाँ एशिया का कंडीशन, कहाँ स्कॉटलैंड और यूएसए का कंडीशन, जमीन आसमान का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, डिस्कस करिए, ये चैनल ये डिस्कस हो रहा है, वीडियो हमने इसलिए बनाया ताकि अब मैच तो हुआ नहीं तो कम से कम आपस में हम सब डिस्कस कर सकें, आप अपनी राय रखिए, आप हमसे सहमत हो सकते हैं और आपकी राय से दूसरे लोग ना सहमत हो तो वो भी वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, ओवरऑल डिस्कशन लगातार जारी रहनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है होप करेंगे कि अगले दो मैचेस में बारिश की तरह से दूर रहे और प्रॉपरली ये दोनों मैचेस हो सके, आने वाले मैचेस भी हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन और अपडेट्स और एशियन क्रिकेट न्यूज से लेकर सारी अपडेट्स आपको लगातार डेली चैनल पे मिलती रहती है, कम्युनिटी चेक करना।